नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद जिले में धान की बिजाई का मामला और सरकार के फैसले के खिलाफ किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। रतिया के विभिन्न गांवों में किसानों ने काले झंडे दिखा करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हर गांव के बस स्टैंड पर किसान इकट्ठे होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों ने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी और वे आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिले के किसान 25 तारीख को भी जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। पलपल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। धान की बिजाई को लेकर के इलाके के किसान सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिले के अनेक गांवों में किसानों ने आज काले झंडे लेकर के सरकार के फैसले का विरोध किया। गांव में बस स्टैंडों पर आज सुबह किसान बड़ी संख्या में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ विरोध किया और नारेबाजी कर सरकार के फैसले के प्रति अपना रुख भी स्पष्ट किया। किसानों का आरोप था कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से किसान विरोधी फैसले लिए गए हैं। जो जो वायदे सरकार ने किसानों से किए हैं वो पूरे नहीं किए। अब अपना फैसला थोपने के लिए एक वायदा और किसानों से सरकार कर रही है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार जल बचाने का इतना ही संजीदा है तो सरकार को चाहिए कि किसानों को एक ऐसा विकल्प दे जिससे किसानों को हानि न हो। उन्होंने कहा कि अगर किसान धान की फसल पैदा नहीं करेगा तो पूरा वर्ष के लिए वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, आढ़तियों तथा कर्जदारों का कर्ज कैसे चुकाएगा। किसानों ने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस प्रकार के फैसले थोपती है तो इस बार किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 25 तारीख को जिले के किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर लघु सचिवालय आएंगे और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत इन गांवों में धान न लगाने अथवा पिछले वर्ष की तुलना में आधी जमीन पर धान लगाने की अपील की थी और ये इसलिए कहा गया था कि जहां पर भू जल स्तर नीचे बैठ गया है वहां पर धान कम लगाया जाए या लगाया ही ना जाए। अब देख रहे हैं पल पल की ये विशेष। जो की सरकार है जब से इन लोगों ने सत्ता संभाली है तब से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये हर रोज सपना दिखाते हैं, पहले धान की पराली का सपना दिखाया भी आप धान की पराली निकालोगे तो 1000 प्रति एकड़ रुपया हम देंगे। धान पर बोझ के लिए कोर्ट ने देश किए वो नहीं दिए। ये कोई भी चीज देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। अभी क्या 5 किलो का धान भी किसान से मांग रहे थे। बीमा कंपनियों को इन्होंने खुल में खुली किसानों की लूट करवाई है। किसान के विरोध में सरकार है पर इस बार ये लड़ाई खट्टर के कफन में आखिरी कील साबित होगी। ये सरकार जा रही है, किसान यहाँ का लड़ेगा इस बार बहुत मजबूती के साथ। और पूरे रतिया इलाके में आप जाओगे तो देखोगे भारी रोष है। पानी बचाने की चिंता करता है खट्टर, पानी तो किसान को भी चाहिए, किसान भी चिंता करता है, मगर इसलिए किसान जिम्मेदार नहीं, सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार है। यदि पानी बचाना होता तो 1509 का रेट दे देती सरकार, सीधी बिजाई पर अनुदान दे देती सरकार, गन्ना मिल चला देती सरकार, कोई अन्य फसलों का रेट सरकार खरीदने की गारंटी कर लेती तो कभी भी आदमी धान न लगाएगा। मगर सरकार पानी के नाम पे नाटक कर रही है। ये हमारा जमीन लेना चाहती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन तब किसान देगा जब ये घाटे का सौदा बनेगी। यदि ये मुनाफा होगा खेती में तो कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं देगा, क्यों, जमीन हमारी माँ है। इसलिए सरकार का ये नीतिगत फैसला है, जमीन किसान से लेनी है, उसी दिशा की तरफ ये कदम है। मगर इस कदम को हम पीछे मोड़ेंगे, हर हाल में धान लगाएंगे। इस बार हमें इस बार के लठ उठा के भी लड़ना पड़ा सरकार के खिलाफ, पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। यदि हमारी रोजी रोटी ना बची तो जिंदा भी नहीं रह जा सकता। सरकार के साथ सरकार टकराव चाहती है किसानों के साथ। कोरोना के चलते हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते, मगर सरकार की मंशा है, सरकार इस बार टकराव करने के लिए तैयार है। 25 को आप देखोगे हजारों ट्रैक्टर जो कभी लोग आंदोलन में आए नहीं थे वो काला झंडा लगा के डीसी दफ्तर की तरफ चलेंगे। हमने उनको संदेश दे रहे हैं, अभी आप उस पर पूरा राशन लेके आए ट्रैक्टर पर, पानी का प्रबंध, खाने का प्रबंध लेके आए, हम वापस नहीं आएंगे। हम जब तक ये फैसला सरकार वापस नहीं लेगी तो हम अगली लड़ाई की घोषणा वहीं कर देंगे। यदि सरकार ने चाह भी किसान टकराव करे तो हम टकराव से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए पूरे तौर पर ये खट्टर सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये फैसला 4 मई को सरकार सुना रही है। जब बहुत सारा इलाका हमारा पहले नरमा पैदा करता था, मगर नरमे का रेट ना मिलने के कारण लोगों ने धान जो जमीनें थी वो धान में कन्वर्ट कर ली और अब तो नरमे के नकली बीज, नकली स्प्रे और पूरी तरह पहले नरमा फेल कर दिया, अब कह रहे हैं नरमा की बिजाई करो। जब हमारे पास से जो साधन थे नरमा बीजने की मशीनें थी वो बेच चुके हैं, वो कोई प्रबंध नहीं है। 4 तारीख को फरमान सुनाते हैं कि आप नरमा बोलो और उल्टा ये धमका रहे हैं भी हम आपका सब्सिडियां बंद कर देंगे, कनेक्शन काट देंगे।
खट्टर साहब हम सत्ता से बाहर कर देंगे, ऐसी लड़ाई रहती है कि लोग छेड़ेंगे, ये खट्टर सरकार हरियाणा में टिक नहीं सकेगी। किस तरह का जो है आज प्रदर्शन जो है पूरे रतिया इलाके में हो रहा है? पूरे आप 52 के 52 गांवों के बस स्टैंड पर जाकर देखो, लोगों ने काले झंडे उठा रखे। इसका असली जो आंदोलन का आगाज 25 को हम करेंगे, क्योंकि पहले लोग सोच रहे थे शायद लड़ेंगे, शायद सरकार इसमें छूट दे देगी, पर सरकार कहती है हम अपने फैसले से टस से मस नहीं होंगे। अभी आपने देखा होगा कृषि मंत्री बयान दे रहा है, बोले ये तो विरोधी पार्टियां प्रचार कर रही है, ये किसान तो हमारे साथ हैं। किसानों को क्या दे दिया? आप देखो बीमा कंपनियों ने हमारे पैसे काट रखे बैंकों में, अभी गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, 1 रुपया नहीं मिलता किसान को, वो कंपनियों के दफ्तर कहाँ है, कहाँ पैसा जाता है? सरकार की मर्जी से, सरकार अपनी मर्जी से किसानों को लूटवा रही है। हम तमाम मांगों को लेकर हमने किसान खेती बचाओ कमेटी का गठन कर लिया। बड़ी लड़ाई रतिया के लोग देंगे, ये हरियाणा में नहीं देश में इसकी गूंज पड़ेगी। किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे और सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। मैं सुखविंदर सिंह ऑल इंडिया किसान सभा वालों बोल रहे हैं। अज हुण असीं खड़े हाँ पिंड कासवा दे विच, इत्थों दे जिहड़े सारे किसान है काले झंडे लै के सड़क ते खड़े है, तां जिहड़ा रतिया ब्लॉक है जिवें हरियाणा दे विच 8 ब्लॉकां ते बैन कीता धान लाउण ते, उहदे चों रतिया ब्लॉक दे जिहड़े 52 पिंड है, 52 पिंडां दे विच ही सारे किसान मतलब काले झंडे लै के अज रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। जे फिर भी सरकार ने जिहड़ा तुगलकी फरमान जारी किया धान ना लाउण दा, धानां ते पाबंदी लाई है, तो असी 25 तरीक नूं सारे किसान सब बच्चा बच्चा ट्रैक्टर लैके DC ऑफिस का घराव करांगे ते इस अंदोलन नूं अगे भी अपने इंडिया लैवल ते मतलब इस नूं चलावांगे।